हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मकई के पोहे की नमकीन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप शाम के नाश्ते के लिए या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप 2 से 3 हफ्ते तक आसानी से बिना फ्रिज के स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सामग्री चेक कर लेंगे। सामग्री में मैंने लिया है 2 कप मकई का पोहा। ये मेरा रेडी टू ईट जो बाजार में पोहा मिलता है वही हमने लिया है। आप चाहे तो मकई का पोहा कच्चा भी ले सकते हैं और उसे फ्राई कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 1/4 कप कच्ची मूंगफली, 1/4 कप बूंदी। बिना नमक वाली बूंदी है, आप नमक वाली बूंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप इसके अंदर फिर नमक की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। मैंने अनसॉल्टेड बूंदी 1/4 कप ली है। साथ में 2 टेबलस्पून हमारी चना दाल रोस्टेड की हुई, 10 से 12 काजू 2 टुकड़ों में भाग लिया है हमने इसे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, कुछ कड़ी पत्ते, ये मेरे सूखे कड़ी पत्ते हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून आप तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आप इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और इसके अंदर कच्ची मूंगफली डाल दीजिए और इसे जब तक अच्छी तरह भुन नहीं जाती इसे रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पर ही। देखिए मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुकी है। इसको भुनने में मुझे 2 से 3 मिनट लग चुके हैं। अब इसके अंदर डालिए भूटानी दाल और इसको आधे सेकेंड या फिर आधे मिनट के लिए भून लीजिए। ज्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ आपको 20 से 30 सेकेंड इसको भूनना है और फ्लेम आपकी लो ही रहनी चाहिए। दाल को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर आप डालिए कड़ी पत्ते और साथ ही में काजू और जब तक भूनिए जब तक कड़ी पत्ते क्रिस्प नहीं हो जाते और काजू का हल्का सा रंग नहीं बदल जाता। ये देखिए काजू भी भूनकर तैयार है और कड़ी पत्ते भी हमारे क्रिस्प हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चीनी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और आखिर में चाट मसाला और इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पर ही। गैस आपको शुरू से आखिर तक धीमी रखनी है ताकि हमारा कोई भी मसाला ना जले और कोई भी इसके अंदर जो चीज डाल रहे हैं वो जले ना और उसका टेस्ट खराब ना हो। मसाले को भी हमने 1 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर आप डाल दीजिए आखिर में जो हमारा बचा हुआ था कॉर्नफ्लेक्स और इसे मिला लीजिए बहुत ही हल्के हाथों से ताकि कॉर्नफ्लेक्स हमारे टूटे ना। कॉर्नफ्लेक्स और मसाले को हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और आखिर में इसके अंदर डालेंगे बूंदी। बूंदी डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप करें और एक बार और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे वो भी हल्के हाथों से। अच्छी तरह से हमने मिला दिया है और कॉर्नफ्लेक्स जेबड़ा हमारा बनकर तैयार है। इसकी फ्लेम आप बंद कीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। मकई का चिबड़ा हमारा पूरी तरह ठंडा हो चुका है। आप इसे किसी भी ग्लास के जार में या फिर किसी भी कंटेनर में 2 से 3 हफ्ते तक बिना फ्रिज के बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर शाम की भूख के लिए भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे फेस्टिवल पे स्नैक के तौर पर पहले से बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि गेस्ट आए जब आप उन्हें सर्व कर सके। तो आई होप आपको मेरी मकई के चिबड़े की रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसी इंग्लिश रिटर्न और हिंदी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें जो कि है achlafood.com। वहां पर आपको रिटर्न रेसिपी विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर विद रेसिपी नोट्स मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।